हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ सीरीज को, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अनुच्छेद 19 से 28 के बीच में। फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और वो आता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वो आता है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। और फिर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और वो आता है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माड़ा फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। हमारा अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, हमारा 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A, और वो है शिक्षा का अधिकार, जो कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। अनुच्छेद 21A क्या है? तो वो है शिक्षा का अधिकार, राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। ठीक है, अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 से 24, और वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 23 है मानव के दुष्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 क्या है? वो है मानव के दुष्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है भाग 4 में ही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और वो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या है? अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर हमारा अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या है? वो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है,
अनुच्छेद 27 है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाय के बारे में स्वतंत्रता। हमारा अनुच्छेद 28 है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 28 में क्या है, तो वो है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आने वाले मेरे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।